हटपसर के सैयद नगर इलाके गुलशन गरीब नवाज मस्जिद और मदरसा के मौलाना तौफीक ने ऐलान किया कि जुलूस की परमिशन पुलिस प्रशासन ने 21 सितंबर को दी है। गुलशन गरीब नवाज मस्जिद और मदरसा के जानिब से ईद मिलाद उन नबी का जुलूस 21 सितंबर 2024 को निकाला जाएगा। सैयद नगर के जिम्मेदारान शख्सियत से हमारे FS न्यूज़ के रिपोर्टर मुन्ना मुजावर ने खास बातचीत की। उन सब का कहना है कि डीजे मुक्त जुलूस होना चाहिए। हमारे हुजूर ने कहा कि हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारा इस्लाम कहता है। तो सभी जिम्मेदारों ने नौजवानों से अपील की है कि सैयद नगर का जुलूस डीजे मुक्त करके दिखाइए। सबसे पहले हम आपको 2022 सैयद नगर के जुलूस की कुछ झलकियां FS न्यूज आपको दिखाते हैं और उसके बाद सैयद नगर के जिम्मेदारान की राय आपको दिखाते हैं। देखिए सैयद नगर के जुलूस की झलकियों को क्या इस्लाम यही कहता है, कितने बेआदबी हुई है हमारे नबी की, कई उलमा की गार्डन छुप गई है नौजवानों की हरकतों से। इंशाल्लाह यह जुलूस अगर डीजे मुक्त नहीं हुआ या कोई भी फिल्मी गाना लगा तो अगले साल से सैयद नगर में जुलूस नहीं निकलेगा। देख लिया आपने, अगर आप सच्चे आशिक के रसूल हो तो आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी, शर्म के मारे गर्दन नीचे झुक गई होगी। या हुल्लड़बाजी करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? इस्लाम मजहब अमन और शांति का पैगाम देता है और हमारे नबी के नाम का यह जुलूस है, इसमें फिल्मी गाने नाचना गाना क्या या नौजवानों को सही लगता है? हमें तो दिखाने को शर्म आ रही है कि 2022 की झलकियां, मगर क्या करें, आंखें तो खोलनी चाहिए, यही काम FS न्यूज करता है। पुणे पुलिस ने डीजे मुक्त पैगंबर जयंती मनाने के फैसले की सराहना की। सीरत कमेटी द्वारा लिया गया डीजे मुक्त पैगंबर जयंती का निर्णय बहुत ही सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और दो समुदायों के बीच भाईचारा है और पुणे पुलिस आपके कार्य का स्वागत करती है और गौरवान्वित करती है। सीरत कमेटी की ओर से पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त माननीय रंजन कुमार शर्मा से अनुरोध किया गया कि डीजे बजाना, ड्रम बजाना, गाना और लेजर लाइटिंग जैसे सभी गलत प्रथाओं को इस्लाम द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। इस्लाम के किसी भी संप्रदाय के अनुसार उस संप्रदाय के अनुसार ऐसा गलत करना, काम करना या डीजे बजाकर पैगंबर की जयंती मनाना इस्लाम को स्वीकार नहीं है। 200 से अधिक मस्जिद मौलवियों ने सीरत कमेटी के फैसले का समर्थन किया और आग्रह किया कि हमने अपने क्षेत्र में स्थानीय मंडलियों से अपील की है कि वे इस वर्ष पैगंबर मोहम्मद की जयंती को बिना डीजे बजाए पारंपरिक और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और गुलशन गरीब नवाज मस्जिद और मदरसा के मौलाना तौफीक ने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन हर वक्त मदद करते हैं और हमें उम्मीद है कि जुलूस के दिन भी पुलिस प्रशासन हमें मदद करेगा, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। पुणे के हटपसर से मुन्ना मुजावर की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तरफ से सभी भाइयों को ईद मिलादुन्नबी मुबारक। अपने सैयद नगर में 21 सितंबर 2024 को गुलशन गरीब नवाज से जुलूस निकाला जा रहा है। मेरे तरफ से सभी भाइयों को गुजारिश है कि जुलूस में डीजे पर गाने बाजे, फिल्मी गाने, डांस ये ना हो। इसकी बजाय आवाज़ से लोगों को तकलीफ होती है और हमारे प्यारे नबी ने लोगों को तकलीफ देने से मना फरमाया है। सैयद नगर से जुलूस में डीजे पर नाच गाने में हम सब ने, उलमाओं ने, मौलाना हफीज, इन्होंने सब ने मना फरमाया और ख़ास करके मैं खुद टीपू पठान दिल से गुजारिश करता हूँ कि ये ना करें। भाई अभी कुछ नौजवान बच्चे डीजे लगाएंगे बजाएंगे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, बजा रहे तो कव्वाली, हदीस, नात ये हुआ तो ठीक है, कोई हरकत नहीं है। सिर्फ फिल्मी गाने ना बजाए, फिल्मी गाने ना बजाए, डांस ना करे, ट्रैक्टर पे इस पे उस पे जो नाचते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो अपने अच्छा लगता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सैयद नगर में रहने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, ये बात कभी ना भूले कि आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह का नाम सैयद है, सैयद नगर। और आप सब ये भी जानते होंगे कि सैयद ये लफ्ज का इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के अंदर कितना एहतराम और कितना रिस्पेक्ट है। ईद मिलाद का जुलूस निकालते वक्त डीजे ना बजाए और इस जगह के नाम का, सैयद नाम का एहतराम करें। आप इस बार ईद मिलाद का जुलूस इस अंदाज में मनाए कि लोग शान से बोले कि सैयद नगर में रहने वाले सैयद को फॉलो करते हैं, कि सैयद नगर में रहने वाले सैयद घराने के अखलाक पर चलते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। दिल से कभी कम ना होने देना चाहत रसूल की, झूम के मनाना आप इस बार आमद रसूल की। सच्चे आशिक रसूल बनकर देखो, दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी।
और मेरा दावा है कि रोजे कयामत के दिन आपको उनके सबके में जन्नत मिलेगी। सैयद नगर के मेरे सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि डीजे ना लगाए, और आप जिस जगह पे रहते हो सैयद नगर, उस जगह के नाम का एहतराम करें। अगर नबी के दीवाने हो और नबी के चाहने वाले हो तो आपको तरीके भी वही अपनाने पड़ेंगे जिसको नबी पसंद करते थे, ना के वो तरीके जिससे नबी को नफरत थी और नबी जिसको नापसंद करते थे। अगर आप डीजे बजाकर नाचते हो तो आईने में खड़े होकर अपने आप को देख लेना और ये जान लेना कि आप सच्चे आशिक रसूल नहीं बल्कि आशिक रसूल होने का ढोंग कर रहे हो, खुद के दिल को मुतमईन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, सभी नौजवानों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भुवनेश्वर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मैं इम्तियाज मोमिन सभी मुस्लिम नौजवानों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी के दिन हमने डीजे ये नहीं बजाना चाहिए, गाने बजाकर नाच गाना नहीं करना चाहिए। क्यों? तो हमें नबी ने ये नहीं सिखाया है, नबी ने अमन और चैन सिखाया है। हमें ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस में हमें जाके नात पढ़ना चाहिए और सही ढंग से जाके कि किसी को हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हमें नबी ने सिखाया है। इसीलिए मैं पुना शहर और सैयद नगर के सभी नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप डीजे मुक्त जुलूस निकालिए और उसी आने वाली आमदनी से कई गरीबों को और बेवाओं को मदद करिए, तो इससे जाके हमें सवाब मिलेगा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी लगेगी कि मेरी उम्मत दुनिया में जाके एक अच्छा काम कर रही है, अच्छा पैगाम फैला रही है। यही गुजारिश करता हूँ और डीजे को मैं मना करता हूँ। और एक बात ये कहने से ये कहता हूँ कि मेरे नौजवान, मेरे मुस्लिम भाई डीजे से मुक्त ज़रूर होंगे और वो नहीं बजाएंगे और नहीं बजाना चाहिए। ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर रुकता हूँ और रुकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सभी आशिकाने रसूल को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हड़पसर सैयद नगर गुलशन गरीब नवाज मदरसे से 21 तारीख के दिन सुबह 10 बजे जुलूस निकलने आता है, तो मेरी एक गुजारिश है सैयद नगर के जवानों से कि जुलूस के अंदर आली मुल्मा हाफिज मुफ्ती कारी सारे होंगे, दीनी एतबार से जुड़े हुए बच्चे होंगे, तो डीजे ना लगाए। अगर लगाना भी हो डीजे तो डीजे में कवाली नात बयानात हदीसे ये लगाए, ना कि कोई गाना बजाना या शोर शराबा जिससे लोगों को तकलीफ हो। हमारे नबी ने नहीं सिखाया किसी को तकलीफ देना, तो इस चीज़ का एहतियात करते हुए कि डीजे लगाते भी हो कवाली लगाए नात लगाए इतनी आवाज़ में लगाए कि किसी को तकलीफ ना हो। तो एक दीनी गुजारिश है मेरी और आप लोग सुनेंगे मेरी, मेरे को ऐसा लगता है जो पैसा आप डीजे में वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा किसी गरीब के घर का राशन भरिए, उससे आपको भी नेकी मिलेगी और हमारे लोगों में एक अच्छी मैसेज जाएगा कि ये नबी के जुलूस के मौके पर ये लोग ये चीज़ें करते हैं। तो एक गुजारिश है, मेहरबानी करके आप डीजे लगाएं। शुक्रिया। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।